कोरोना के टाइम पे ना इतनी ज्यादा किल्लत हो गई है बेड की, और डॉक्टर्स की डॉक्टर ही नहीं मिले। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 11 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट 11, उससे ज़्यादा ही हो चुका है। बच्चे अभी सो रहे हैं, दिव्या जा चुकी है बैंक, और कल हम लोग को जाना है पटना, जो कि होम टाउन, ब्रदर के मैरिज के लिए जा रहे हैं हम लोग, पटना और सिवान जाने वाले। उसके लिए तो सारे 3 महीने से ही शॉपिंग चल रही है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, और कोरोना टाइम में भी हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली है और किया भी है। और उसके पहले मुझे कुछ चीज़ों को ध्यान रख के जाना है। अगर घर से जा रहा हूँ मैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मुझे ध्यान रखना है और किस पे छोड़ के जाना है, वो सब मुझे सोचना है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि ये प्लांट्स हैं सबसे प्राइमरी मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि मेरे नहीं रहने पे ये सारे सूख सकते हैं। जैसे अभी आप देखो कि अभी जो है कई सारे फ्लावरिंग प्लांट आ चुके हैं यहाँ पे, और अभी बहुत अच्छे से इनफैक्ट वो ग्रो हो रहे हैं। ये सारे कुछ एक प्लांट जो है वो सूख गए हैं, तो जैसे ये वाला प्लांट है, ये प्लांट जो है ये सूख गए हैं, लेकिन नए वेरिएंट उसके निकल रहे हैं। तो इन सब के बीच में मुझे कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो ये कि मैंने आप लोग को एक बताया था इससे पहले, जो जब मैंने गार्डनिंग की थी तो एक गार्डनर है उससे मैंने आपको बताया था। तो जब भी एवरी 15 डेज में ना हमें सॉइल, जो मिट्टी है ना, मिट्टी को हमें थोड़ा 2 इंच तक हमें ऐसे गड्ढा करना होता है, इसलिए कि उसका जो एक लेयर होता है ना वो निकल जाए। जैसे कि एक मिट्टी का एक हार्ड लेयर बन जाता है। हार्ड लेयर बन जाने से क्या होता है ना, जैसे भी आप देख रहे हो कि पानी को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करता, ऊपर ऊपर रह जाता है। तो उसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा जो आप देख रहे हो कि कभी जिस अनवांटेड वो भी आ जाते हैं, तो दिखने में बहुत सुंदर, मैंने बताया ना आपको, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वो वेस्ट होते हैं, तो उसको हमें निकाल देना है। उसको निकाल के अब आप इसको सिर्फ देखते हो कि पानी डालते डालते ना एक तरफ झुकाव भी हो जाता है, तो जड़ का इफेक्ट पड़ता है वो, तो उसको हमें बराबर कर देना होता है। एक लेवल जो होता है ना वो हम बराबर कर सकते हैं, यहाँ पे वो बराबर कर दिया, हर जगह यहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह 2-2 इंच का। और ये मैं करके सारे प्लांट में वो जाने वाला हूँ। और अभी पानी तो मैं उतनी दूर से दे नहीं सकता, फोर्स इतना ज़्यादा आएगा नहीं, ब्लूटूथ से वाईफाई से भी पानी नहीं आ सकता ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ काम करने आती है, तो उनको बोला है कि एवरी 2 डेज पे आप आओ और वाटरिंग करो। और वाटरिंग कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया कि बहुत ज़्यादा पानी भर भी नहीं देना। हाँ, बहुत ज़्यादा लेवल तक पानी भरना नहीं चाहिए, जितने की ज़रूरत हो उतना ही चाहिए, क्योंकि हम अपने पेट में भी उतना ही पानी भरते हैं जितना हमें ज़रूरत होता है, उससे ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वही है, और यहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा जो निकल रहा है, ऐसा ना हो कि मैं जब आऊँ तो मेरी जो मेन कोर्स है, मेन जो प्लांट है ना, वो कम दिखे और ये झाड़ वगैरह है ना वो ज़्यादा दिखे। तो ये भी ध्यान रखना है मुझे कि जितने भी हैं हमें क्लीन करके जाना है। ये सब मुझे, आप देख रहे हो ये जितने भी झाड़ निकले हुए ना, इन सबको मुझे क्लीन करना है। और ये, और दूसरी बात, ये कीड़े जो है ना, कीड़े वाइट बग्स, उस पर भी ध्यान देना है हमें, कि वो कहीं एक प्लांट में लग गया ना तो मैं देखने वाला तो हूँ नहीं अभी कुछ दिनों के लिए, तो फैलता ना जाए। और गड्ढा करने से वही बताया आपको कि 2-2 इंच से ज़्यादा, अब इसमें पानी जो है ना वो प्रॉपर मिलेगा, इसमें अब्जॉर्व करेगा पानी एवरी 15 डेज, मैंने आपको बताया वो एवरी 15 डेज में वो हमें करना है, ऑलमोस्ट है। और इसका यूज़ मैंने क्या किया है, जैसे मेरे पास बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं है प्लांट के, तो ये देख रहे हो आप, फोक से ही मैंने इसको यहाँ पे अच्छे से कोशिश की है करने के लिए, वो मैंने यहाँ पे हर जगह कर दिया। जैसे ये आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, ये जो ऐसे दिख रहा है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोरोना टाइम में घर पे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सेफ्टी का ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि अभी बच्चों में भी फैल रहा है कोरोना, और आप लोग भी हैं तो घर पे ही रहे। मुंबई में वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ है, धारा 144 लगा हुआ है, सेक्शन 144। और इन सब के बीच में एक न्यूज़ आई जो कि बहुत ज़्यादा ही मुझे डिस्टर्ब करके गया, क्योंकि लास्ट ईयर मेरे भैया और दीदी जो हैं वो भी जा चुके हैं, उनके केस में क्या था कि उनको पता नहीं था कि कोरोना है, लेकिन अभी क्या है, अभी सब लोग अवेयर हैं कि ये सिम्टम्स होते हैं, ये सिम्टम्स आने के बाद हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए या फिर हमें एडमिट हो जाना चाहिए। लेकिन अभी के टाइम पे ही, आज ही मुझे पता चला कि वन ऑफ माय फ्रेंड, जैसे दिव्या के कॉलीग ही हैं हैदराबाद में, जो कि मुंबई में थे पहले, बोरीवली में थे, फिर हैदराबाद शिफ्ट हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, तो आज पता चला कि उनकी डेथ हो गई ड्यू टू कोरोना। वो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा, बहुत शॉकिंग मीन्स कि
जिनको आप देखते हो और फिजिकली बहुत फिट हैं, और लेकिन अभी क्या कहें, वो कोरोना का दौर ऐसा चला हुआ है और सेकंड वाला जो लीड है वो ज़्यादा ही ख़तरनाक है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और ये सुन के तो और ज़्यादा मुझे ख़राब लगा क्योंकि उनको बेड ही नहीं मिला। कोरोना के टाइम पे ना इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है बेड की, और डॉक्टर्स की डॉक्टर ही नहीं मिले। वो बच सकते थे, हम सेव कर सकते थे, लेकिन हमारे पास बेड नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, और इसके अभाव में ही वो डेथ कर गए, जो कि बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए भी। तो होपफुली मैं कोशिश करता हूँ या फिर आशा करता हूँ कि किसी को भी ऐसी ना आए कि उसको जो चलो एक किसी को पहले से बहुत ज़्यादा फिजिकल डिजीज़ है तो एज भी बहुत ज़्यादा हो गई है, 60+ हो गई है, तो मुझे एक समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे फिजिकली फिट है बंदा, मेंटली हर तरह से ठीक है, लेकिन हाँ कोरोना चलो एक आ गई, कहीं से भी वो आ सकता है, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी उसको अच्छे से फाइट करती है, फाइट करने लायक भी था। लेकिन हाँ अगर कुछ प्राइमरी डोज ऑक्सीजन वगैरह दिया जाता था तो वो बच सकते थे आराम से, लेकिन इन सब चीज़ों के ही अभाव में ये हो गया। और अभी हम लोग को भी निकलना है, अब पटना जाना है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। इधर पर भी जो मुझे लगता है कि अब बच्चों को उठाना चाहिए क्योंकि थोड़ी बहुत पैकिंग के लिए रह गई है। और यहाँ पे गुड मॉर्निंग, क्या हुआ, ये सुबह सुबह बच्ची उठ गई थी, उठने के बाद वापस से सोई है दूध पी के। और ये तुम बताओ, अरे ये 2 दिन से ना अभी क्लासेस भी नहीं जा रही है ट्यूशन, इसने बोला कि अब मैं आने के बाद जाऊँगी। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है अब वो जब आएगी वहाँ से तो अभी क्या है 2 दिन के लिए जाएगी। आज जाना चाहिए था ना तुमको, क्यों टीचर ने भी बुलाया था तुमको, तो मुझे भी बता दोगी कि कौन सा गाना है। सुबह सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये सुबह सुबह उठ के गाने गाती है। पंच पंच, रेडी 1 2 3, आ जाओ फाइट, यू वांट टू फाइट, फाइट आई डिड ओके या मैंने जीत गई। लगा मुझे मैंने जीत गई, दीदी ने मुझे मारा। अरे उधर क्या हो रहा है, आ जाओ कम चाहिए कम है एप्पल, उसमें बैठ के कौन खाता है। कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ उसमें क्यों बैठी हो, इसमें कौन बैठता है ऐसे, क्या हुआ। इसके बाद यहाँ पे खेल रही है, अगला कल से खेलेंगी घर पे, मजा आएगा ना। अभी इतने लोग हैं ना कि सबके हाथों हाथ में जाएगी और मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँगा क्योंकि अभी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मामा और नानी की हो जाएगी और मामी की हो जाएगी। ऐसे कौन खाता है, जूम नहीं करना है, अभी बहुत जूम कर लिया तुमने, नहीं करना है जूम नहीं। चलो आना है, आ जाओ, नो तुम इधर ही बैठे रहो, एकदम शांत से बैठे रहो, नो नहीं 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 मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, आ जा इसको बैठने की क्या जरूरत है तुमको, कहीं पे भी जगह मिले वहां जाके बैठ जाना। मेरी बेटी जो है आफ़िया, वो मुझसे गुस्सा हो गई है और मुझे उसको मनाना है, और मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसने लॉक कर दी, उसने अंदर से लॉक कर दी। हेलो हेलो, इज एनीबडी देयर, आयरा आयरा, किशी, इसके बीच में आयरा जग गई है, किशी किशी ओपन द डोर, तुमने डोर क्यों लॉक किया, तुम कहाँ थी, कहाँ गई थी तुम, कोई बात नहीं, आज कोई बात
दीदी ना तुम मुझसे कट्टी हो क्यों? अभी इसकी नींद पूरी नहीं हुई, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक एक इरिटेशन चालू रहता है इसका। अगर अभी उठा दिया मैंने इसको तो बहुत इरिटेट रहेगी इरिटेशन, तो इसी के लिए इसको सुलाना ज़रूरी है। और आप को क्या हो गया? इधर आओ इशी, तुम गुस्सा क्यों हो गई मुझे? चलो आ जाओ, मुझसे गुस्सा हो क्यों? सॉरी, ओके बाय, तो मैं भी कट्टी हो गई, तुम चलो। बच्चों का ये मुझे समझ में नहीं आता है, मैं तुमसे कट्टी नहीं हूँ, मैं तुमसे गुस्सा हूँ, इसका क्या मतलब है? तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही है क्या हिसाब किताब? मैं तुमसे कट्टी नहीं हूँ, गुस्सा हूँ। अच्छा, गुस्सा और कट्टी में क्या फर्क है बताओ जरा? आप जा? क्यों कट्टी क्यों नहीं हो तुम? कट्टी नहीं हूँ। तो मैं कट्टी हो जाता हूँ, चलो कट्टी। कट्टी नहीं हो, कट्टी नहीं हो, गुस्सा हो, तो कैसे मानोगी तुम बताओ? ठीक है, मैं अपने बाबू के साथ चलता हूँ। चलो बाबू, पहले इसको सुलाते हैं, बाद में जितना भी है ना हमारा तो आर्गुमेंट चलता रहेगा, ऐसे झगड़े चलते रहते हैं।